आपके पास पैसे नहीं हैं, आप फ्रेशर हैं, आप लग्जमबर्ग आना चाहते हैं, आपके पास डिप्लोमा या स्किल नहीं है, आपके पास कोई तालीम नहीं है, आप मैट्रिक पास है या प्राइमरी पास है, जो भी है आपने किया, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए स्पेशली है, जो भाई मेरे पाकिस्तान इंडिया से देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि भाई मैं लग्जमबर्ग चले जाऊँ, मुझे कोई वीज़ा लगा के दें, ठीक है, और जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जिनको एजेंट जो है उनको लूट रहे हैं, कंसल्टेंट पैसे ले रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, और ये लोग भाई लोग आप ख्वाहिशमंद हैं, आप आना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और एंड तक देखना। आपको पता है कि मैं आजकल एडवेंचर पर हूँ यूरोप में, तो कभी कहीं इसलिए आपको मेरी वीडियो रोज़ नहीं मिल रही। मेरी वीडियो रोज़ बनाता था, लेकिन अभी वीडियो रोज़ नहीं बना सकता, क्योंकि एडवेंचर पर हूँ, कभी इधर गया कभी उधर गया। मेरी प्रीवियस वीडियो थी ग्रनादा सिटी में, स्पेन में, तो इस तरह घूमता रहता हूँ, इसलिए रोज़ वीडियो नहीं बना सकता आप लोग के लिए, इसके लिए माजरत। अच्छा, अब लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मिलती, टाइम मिलते भी थोड़ा टाइम मिलता, यहाँ पर बैठा हूँ, बाहर आया था, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर अभी एक ड्यूटी बनाई जाए, इससे टाइम से फ़ायदा उठाया जाए। लग्जमबर्ग में आप लोग, जो बताया मैंने आपके, आप डिप्लोमा नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तालीम नहीं है, जो भी नहीं है, तो आप लोग आना चाहते हैं लग्जमबर्ग, तो आप लोग लज्मी आ सकते हैं। कैसे आएंगे आप? आएंगे कंस्ट्रक्शन साइट पर, आप आएंगे कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, आप काम करेंगे एज ए लेबर। अब लेबर के लिए क्या चाहिए होता है मुझे पता है, तो चीज़ जो मैं ऐसे लेकर आया हूँ, जो मैं शुरू में बताया आपको कि आपको कुछ नहीं चाहिए, वो चीज़ ही ऐसी है कि इसमें क्या चाहिए आपको। जब आप किसी अपने होम कंट्री में बताएं मुझे, आप दिहाड़ी या किसी लेबर काम के लिए जाते हैं, तो आपको आपसे इंटरव्यू लेते हैं, तो ये बात चीज़ ऐसी है। आप लोग क्या करेंगे, आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब है, जो आपको मैं तफसील से आगाह करना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ आ सके और फिर आपको अप्लाई करने में आसानी हो। एक तो ऐसे जनरल लेबर हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के साइड पर। उसके अलावा जो स्किल चीज़ें होती है, स्किल चीज़ें भी अवेलेबल है। अभी मैं नहीं कहूँगा कि अभी सारे अनस्किल्ड आ जाओ। स्किल में क्या आएगा, इसमें आएगा आपका प्लम्बर आएगा, आप प्लम्बर का काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप अगर आपको थोड़ा बहुत सेंस आप में है, तो आप समझ सकते हैं कि जब बिल्डिंग बनता है, ऑफिस बनता है, डिपार्टमेंट बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनता है, घर बनता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। प्लम्बिंग काम चाहिए होते हैं, प्लम्बर चाहिए यहाँ पर, इलेक्ट्रीशियन की जॉब अवेलेबल है वो भी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, मार्बल लगाने वाला, टाइल फिटर लगाने वाला, ठीक है, बेशुमार किस्म की चीज़ें इस तरह हो गई। अब मुझे खुद नहीं पता क्यों चाहिए होती, लेकिन बेशुमार चीज़ें, पाइप फिटर हो गया, ठीक है, कारपेंटर हो गया, कारपेंटर भी चाहिए होते हैं। इसके अलावा ये चीज़ अगर आपके पास है स्किल्स इसकी, तो ठीक है, नहीं तो इसके अलावा जो मैंने बताया, आप एज ए जनरल लेबर भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा, जो इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग चीज़ है, पोस्ट है आप लोग के लिए, उसको कहते हैं फोरमैन वर्कर, या फोरमैन लीडर या वर्कर इसको कह सकते हैं, या फोरमैन कंस्ट्रक्शन लेबर। फोरमैन इस तरह होते हैं मेरे भाई के, ही आपको एक तकरीबन 3-4 बने दिए जाएंगे, आपने उनको सुपरवाइज करना होगा वर्कर्स को, तो ये एक अच्छी जॉब बन जाती है, क्योंकि इसमें आपको मेहनत नहीं करना पड़ता, आपको खुद फिजिकली काम नहीं करना पड़ता, आपको आप बाकी जो मजदूर होंगे उनको आप लीड करेंगे, तो फोरमैन वर्कर की जॉब मेरे लिहाज से अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा लग्जमबर्ग में लोगों को वीज़े मिल रहे हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों ने क्राइटेरिया पूरा करना होता है, आप लोगों ने सही तरीके से अप्लाई किया, आप लोगों ने सही तरीके से अप्रोच किया, आपका क्राइटेरिया पूरा हुआ, तो आप लाजमी लग्जमबर्ग आ सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। और मैं आपको वो जो क्राइटेरिया होता है, मैं आपको जो वो तरीका होते हैं वो समझाता हूँ आपको, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो जो तरीका यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एक यूरोपा सी बनानी है। अब यूरोपा सी के ऊपर मेरी वीडियो बनी है, उसके ऊपर यूरोपा सी कैसे बनाते हैं, यूरोपा सी में टैक्स कैसे लगाते हैं, इंपॉर्टेंट बात है टैक्स लगाना, अपनी सी वी में, अपनी सी वी को रैंक करना, उसमें एडी सिस्टम लगाना, मतलब एडी क्या हो गया, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम कैसे लगाते हैं सी वी में, तो ये आपको समझना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, दोनों के ऊपर मेरी वीडियो बन गई, यूरोपा सी वी कैसे बनाते हैं और एडी सिस्टम कैसे लगाते हैं सी वी में, ठीक है, तो ये दोनों आपने वीडियो चेक कर ली नहीं, मेरी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपके पास ऑलरेडी सी वी है तो वेल एंड गुड, यू डोंट नीड। इसके अलावा जब आप लग्जमबर्ग आएंगे, तो आपको यहाँ पर अगर आप 5 साल गुजारते हैं लीगली गुजारते हैं, ठीक है, आप सारे कानून को फॉलो करते हैं, आप क्राइटेरिया पूरा होता है, तो आपको इसका पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं लग्जमबर्ग का, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग्जमबर्ग। अगर आप पीआर अप्लाई किया, आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई, तो फिर आप सब कुछ, आपका काम खत्म हो चुका है। इसके अलावा अगर आप अपनी बीवी बच्चों को भी साथ में लेकर आ सकते हैं, ठीक है, ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लग्जमबर्ग में वर्क वीजा के लिहाज से, डिपेंड करते हैं आपके स्पॉन्सर पर, लेकिन ये सब अपॉर्चुनिटीज़ की होती है। इसके अलावा आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, और टैक्सेस आपको अदा करने पड़े, टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, जितनी कंट्री अमीर होती है उतने टैक्सेस भी ज़्यादा अदा करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको ये सहूलियात जो दी जाती हैं, ठीक है, तो आपके टैक्सेस के बेस पर दी जाती हैं आपको,
पैसा क्या होता है, पैसा जो गवर्नमेंट लगाता है किसके पैसे लगाता है, जेब को नहीं लगाता है ना, आवाम का लगाता है, पब्लिक का लगाता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो पब्लिक वहाँ पर टैक्स पे करता है और उनको उनको सहूलियात दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, बगैर बिना किसी मसले के, बिना किसी करप्शन के। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आज आप लोग के लिए कराया हूँ, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए और इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। चलूँगा मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह आप लोगों ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर खुद ही घर बैठे बिना एजेंट बिना कंसल्टेंट के अप्लाई करना। सबसे पहले आप लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएंगे, स्क्रीन पर आने के बाद आप लोग यहाँ पर लिख देंगे टॉप, इसका लिंक आपको मैं शायद दे दूँ, ठीक है, तो आप लोगों को मसला नहीं होना चाहिए। लिंक काम ना करे तो फिर आप लोगों ने लिखना होगा टॉप इंटरम लग्जमबर्ग लिख देना होगा, इसको एंटर कर दिया आप लोगों ने। एंटर करने के बाद आप लोग नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर, और पहले वेबसाइट को ओपन कर देंगे, दूसरे को भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है, या आप अगर थर्ड को देखें वेबसाइट को देखें moviejob.com जो कि वेबसाइट है लग्जमबर्ग की तरफ से लग्जमबर्ग में जॉब फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर भी ये कंपनी जो है जॉब्स अपलोड करती है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर। आपको मैं तरीका सिखाऊंगा डायरेक्टली अप्लाई करने का, तो लिंक जो आपको मिलेगा आपने क्लिक करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आ जाएंगे डायरेक्टली इसके ऊपर, नहीं तो आपने इस तरह ओपन करना होगा, दोनों तरीका मैं आपको बता दी, ठीक है, ताकि आपको कोई मसला बर्बाद में ना हो। क्लिक कर दिया इसके ऊपर मैंने, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया, इसको मैंने इंग्लिश में कर दिया, ठीक है, इंग्लिश में करने के बाद अभी देखें ये कंपनी की वेबसाइट खुल चुकी है, कुछ साइज़ कम करते हैं, ठीक है, ये देखिए टॉप इंटरम टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, ठीक है, एंड हेयर रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट टॉप इंटरम ऑफर्स फॉर यू, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर आपको स्किल इंडस्ट्री में जॉब्स मिलती है, आपको प्रोडक्शन में, ठीक है, आपको टर्शरी मतलब जो थर्ड चीज़ें जॉब्स होती है, ठीक है, तो कहते हैं एक होता है प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड टर्शरी, और इसके बाद क्लीनिंग आ जाता है इसमें, लॉजिस्टिक आ जाता है इसमें, अब हॉरेस्का ही कोई चीज़ भी होगी मुझे इसके बारे में नहीं पता, गैस स्टेशन में, बिल्डिंग में, बिल्डिंग मतलब जो मैंने बात की आपको वीडियो के शुरू में, कंस्ट्रक्शन के साइड पर आप लोग जॉब अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप ये देखें, देख रहे हैं कि सेंड अस योर सीवी टू द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस, आपने इस ईमेल एड्रेस को अपनी सीवी सेंड कर देनी है, लेकिन मैं आपको जॉब दिखाऊंगा, सबसे पहले आपने डायरेक्टली सीवी सेंड नहीं करनी है, इसे आपने समझ बूझ कर सेंड करनी है, क्योंकि सीवी में आप कहेंगे क्या, बोलेंगे क्या, कि जॉब के लिए अप्लाई, जॉब का टाइटल भेजेंगे, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कह रहे हैं कि एज एन इंटरव्यू विद ईच कैंडिडेट एज वेल एज ए रेफरेंस चेक अलाउज अस टू मेक ए स्पेसिफिक असेसमेंट, कह रहे कि कैंडिडेट का इंटरव्यू भी करते हैं, आपको इंटरव्यू भी शायद ही लें ताकि आपको मजीद ये आपको एक्सेस कर सकें, ठीक है, स्पेसिफिकली, और ये देखिए भी रिक्रूटमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सब यहाँ पर किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा आप नीचे एट द एंड आ गए, आपने सब कुछ देख लिया, देखने समझने के बाद अगर आप लोग शुरू में आपको ऑप्शन मिलता है लिखा हुआ है ऊपर ऑफर्स का, अगर आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर, क्लिक कर दिए इसके ऊपर मैंने, ठीक है, क्लिक करने के बाद सारी इनकी अवेलेबल देखें, अवेलेबल जॉब्स आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। डू नॉट हेजिटेट इफ टू अप्लाई इफ योर प्रोफाइल मैच, अगर आपका प्रोफाइल मैच करता है तो आप अप्लाई करने से मत डरिए, मत घबराइए। अब ये देखें, आपको मैंने बताया था, ये देखें जॉब की कैटेगरीज है, बाकी यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साइड पर जो मैंने बताया, यहाँ पर बाकी भी है स्किल इंडस्ट्री, गैस स्टेशन हो गया, अदर्स हो गया, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि काफ़ी लोगों को इसमें जॉब्स मिलती है आसानी से, तो इसलिए इसमें आपको अप्लाई लाजमी करना चाहिए। अगर आप ये देखें ड्राइव वाइल वर्कर की जॉब अवेलेबल है, ठीक है, आपने क्या करना होगा, ड्राइव वाइल वर्कर होगा, वर्कर ही कंस्ट्रक्शन के साइड पर वर्कर बेशुमार होते हैं यहाँ पर, ये अनस्किल चीज़ है। देखें तो आप ये देखें मेसन फॉर्म वर्कर, जो मैंने बताया आपको फॉर्म वर्कर या मेसन का काम आप कर सकते हैं आपके लिए। अच्छा इलेक्ट्रिशियन की जॉब जो बताया था मैंने आपको, आप मशीन ऑपरेटर की जॉब, क्योंकि मशीनें चला रहे होते हैं लोग यहाँ पर, बिल्डिंग को बनाने में, तामीर करने में बड़ी बड़ी मशीनें चल रही होती है, उसको ऑपरेट करने वाला कोई बंदा हो। हाउस पेंटर, आपको पेंटिंग काम जानते हैं, पेंट कर सकते हैं, फॉर देखें ये ब्लू पेंट लगा हुआ है इस दीवार पर, तो आप इस तरह पेंटिंग काम कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल पोजिशन इस नीचे आ गया, ये देखें आप सारी फैक्ट्रीज दी हुई स्किल्ड इंडस्ट्री में, अगर आप लोग मजीद चाहते हैं आप स्किल इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको टायर फिटर काम जानते हैं, ठीक है, टायर लगाने काम जानते हैं, टिग वेल्डर काम जानते हैं आप लोग, डक्ट फिटर, डक्ट क्या होता है, डक्ट होता है जो सेंट्रल यहाँ पर इस तरह होता है, यूरोप में हर एक बिल्डिंग में सेंट्रलाइज एयर कंडीशन सिस्टम लगा होता है, डक्ट उस सिस्टम को कहते हैं जहाँ पर वो पाइप लगे होते हैं अंदर ये बिल्डिंग के अंदर, उनको साफ करने वाला डक्ट, उसे डक्ट कहते हैं बेसिकली। अच्छा यहाँ पर ये कैटेनरी असेंबलर हो गया, पाइप फिटर हो गया, देख रहे हैं आप पाइप फिटर जो मैं बताया था आपको, पाइप फिटर, ठीक है, पोर्ट लिफ्ट ड्राइवर हो गया, नीचे अगर आप नीचे आते जाएं यहाँ पर देखें, अब गैस स्टेशन में फॉर एग्जाम्पल नहीं होता जो हम कहते हैं अपनी जुबान में गैस स्टेशन, भाई पेट्रोल डालें वाला स्टेशन नहीं होता, वहाँ पर ही देखिए, वहाँ पर कार वॉश व्हीकल क्लीनर, एक कार वॉश आपको गाड़ी को धोना आता है
तो अप्लाई कर सकते हैं, सर्विस स्टेशन कैशियर की जॉब अप्लाई कर सकते हैं, हाउस मेड की जॉब कर सकते हैं। हाउस मेड कहते हैं ये घर की सफाई करने वाले, घर की देखभाल रखने वाली, हाउस मेड। वैसे हाउस मेड, वैसे मेड कहते हैं फीमेल सर्वेंट को, ठीक है, मेड इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन हाउस मेड दोनों आ जाता है यहाँ पर, आप मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, घर का देखभाल रखने वाले या रखने वाली, ठीक है। इसके बाद अदर कैटेगरीज में सर्विस सर्वर एंड बार मैनेजर आ गया। बार होगा, एक बार कहते हैं रेस्टोरेंट को, यहाँ पर रेस्टोरेंट को कहते हैं बार एक्चुअली, तो बार में अगर आप ऐसे सर्वर मतलब वेटर काम कर सकते हैं वहाँ पर, या बारटेंडर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जॉब्स हैं, देख लिया आप लोगों ने। अच्छा, जो मैं आपको जो मैंने फोकस था वीडियो में वो इसी के ऊपर था, ये कंस्ट्रक्शन के साइड पर, तो मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं भाई, मैसन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या कैसे अप्लाई करेंगे देखें। वी आर अर्जेंटली लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस मैसन और फॉर्म वर्कर मैसन फॉर अवर बिल्डिंग सेक्टर। वी आर लुकिंग फॉर हाईली मोटिवेटेड डायनेमिक। सिर्फ आपकी मोटिवेशन, आपकी डायनेमिक चाहिए, कि आप मोटिवेशन हो और आप एक्टिव हो, ठीक है। प्रेजेंट क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट यूर सेल्फ विद सीवी एंड आइडेंटिटी कार्ड टू आवर एजेंसी। हमें करना क्या है, आपने अपनी सीवी जो है इनको भेज देनी है, ठीक है। सेंड एस योर सीवी, क्या क्या करना है, आपने आप नीचे आ गए यहाँ पर, ये देखें ये ईमेल दिया हुआ नजर आ रहा है आपको, आपने इसको अपनी सीवी जो है इसको भेज देनी है। सीवी भेजते हुए आपने जो सीवी भेजेंगे आप, तो जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अप्लाई कर रहे हैं हाउस पेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या आप टाइपरेटर जिसके लिए हाउस पेंटर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप टाइटल जो ईमेल का आपका टाइटल होगा उसमें आप लिखेंगे हाउस पेंटर। सीवी जो आप भेजेंगे, सीवी में आपने हाउस पेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी टैक्स रिलेटेड डालनी सीवी में, ठीक है, और ये सब कुछ मेंशन करना है। साथ में कॉल लेटर भी लगाया तो फायदा, प्लस पॉइंट है आपके लिए, नहीं तो कोई मसली बात नहीं है। इस तरह आपने इस तरह अप्लाई कर देना है, और मजीद सबके लिए अप्लाई कीजिए जिसके लिए आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, ठीक है मेरे भाई। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे तो ये चाहत, अल्लाह हाफिज़।